जय श्री राम। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनका सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा होता है? पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका ये जो सवाल है ये सवाल बेबुनियाद है। कारण कि मंत्र कोई सा भी हो, मंत्र कोई सा भी हो, प्रधानता भाव की होती है कि आपका भाव कैसा है, आपका भाव ईश्वर के प्रति कैसा है, आपका लगाव ईश्वर के प्रति कैसा है, आपका ईश्वर के प्रति कितना अटूट प्रेम है, उसके ऊपर ये सब चीज निर्भर करता है। ऐसे हमारे शास्त्र में अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान शंकर या अन्य श्री हनुमान जी, अन्य देवताओं की जिसकी भी आराधना की, मंत्र को विशेष महत्व तो नहीं दिया, मंत्र को तो वो जानते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु से अनन्य प्रेम किया करते थे, अनन्य प्रेम किया करते थे। और वर्तमान स्थिति में भी आप देख सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कोई मंत्र नहीं जपते, केवल क्या जपते हैं, राधा 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 राधा। तो नाम का महत्व है, मंत्र के अंदर भी नाम ही होता है, मंत्र के अंदर भी हम ईश्वर को नमन करते हैं, मंत्र के अंदर भी वही चीज है। और यदि आप नाम सुमिरन करते तो भी एक ही चीज है, परंतु फिर भी मैं आपको एक पावरफुल मंत्र मैं आपको बताऊंगा। पावरफुल मंत्र मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस मंत्र के द्वारा चमत्कारी प्रभाव होते हैं, लेकिन जब तक आपकी आस्था नहीं होगी, जब तक आपके प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तो कोई भी मंत्र कार्य नहीं करेगा। जैसे कि हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा ऑलरेडी सिद्ध है, हनुमान चालीसा ऑलरेडी सिद्ध है, इसके साक्षी भगवान शंकर यानी गौरीशा है, हनुमान चालीसा ऑलरेडी पहले से सिद्ध है, लेकिन भक्तों को इसका अनुभव, भक्तों को इसका चमत्कार क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि उनकी आस्था गौण है, उनके जो प्रेम है वो गौण है, पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित नहीं है, पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति उनका प्रेम लगाव, पूर्ण रूप से उनका लगाव नहीं है। संसार की मोह माया में चकाचौंध में वो लिप्त है और कहीं ना कहीं उनका चित्त ऐसे कार्यों में लगा रहता है जिसके कारण उनकी जो भक्ति है वो भक्ति उनके असर नहीं दिखा पाती। तो अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होकर, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये आप समझ लीजिए। मंत्र सभी को पता है, शायद कुछ भक्त हैं जो नहीं पता, लेकिन पता होने के बाद भी कुछ जपते नहीं है, बस ये सबसे बड़ी कमी है, पता तो होते हैं लेकिन जाप नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं उसके लिए क्या करना है। आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको अपने साथ में हनुमान जी का यह सिंदूर, हनुमान जी का थोड़ा सा सिंदूर, चमेली का तेल आता है, चमेली का तेल अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, क्योंकि ये हनुमान जी के शरीर पर लगाया जाता है तो उसमें थर्ड क्वालिटी हनुमान जी का तेल आ रहा है, वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा डाबर कंपनी का आप हनुमान जी का चमेली का तेल हनुमान जी के लिए आप लेकर जाए और सिंदूर लेकर जाए। साथ ही आपने हनुमान जी के लिए फल अवश्य लेकर जाने, फल फल हनुमान जी को बड़े प्रिय थे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, तो फल आपको अवश्य लेकर जाए। चाहे आप दो प्रकार के फल ले ले, मतलब दो तरह के फल ले ले, अन्यथा दो ही फल ले ले, वो आपके ऊपर सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है, आपकी सामर्थ्य कैसी है। दो फल चढ़ाए, एक फल नहीं चढ़ाना चाहिए, दो में आप चाहे एक दर्जन केले, एक दर्जन आप एक किलो आप सेब चढ़ा दीजिए, या सिर्फ एक सेब और एक केला चढ़ा दीजिए, मतलब कुल मिलाकर दो वैरायटी होनी चाहिए, और चाहे वो ज्यादा हो कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही आपने प्रसाद में मोतीचूर के लड्डू, गुड़ चना, इमरती, बड़े वाले पतासे और रोट, इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है, भोग प्रसाद जो भी आपके पास उपलब्ध है वो लेकर जाए। साथ ही एक नारियल, नारियल आपको दिखाई देगा नीचे, नारियल वो एक चट्टा लगा हुआ है नारियल का, अर्जी लोगों की लगी भी है, तो एक नारियल लेकर जाएं, उस नारियल के ऊपर कुछ पैसे रखकर कलावे से बांध दे, मैं दिखा दे रहा हूं इस तरीके से, इस तरीके से आपको एक नारियल लेना है, उसके ऊपर कुछ पैसे रखकर इस तरीके से उसे बांध देना है। पैसे में आप कम से कम आपका सामर्थ्य 11, 21, 51 या 101 जितना आपका सामर्थ्य है उस तरीके से आपने पैसे के ऊपर बांध देने हैं। ये सभी समान, साथ में आपने एक लाल कपड़ा ध्यान रखना, लाल कपड़ा इस तरीके का 2.25 मीटर का, ये लाल कपड़ा है हमारे पास, बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो ये लाल कपड़ा इस तरह का 2.25 मीटर का कपड़ा, ध्यान रखना 2.25 मीटर का कपड़ा आपको ले लेना है, और इसको इस प्रकार तय करके, इस तरह इस प्रकार आपको इसको तय करके, इस तरीके से ये तय करके, और इसके ऊपर सारा सामान रखकर, और इस तरीके से आपको ले लेना है, इस तरीके से हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना है, उनसे प्रार्थना करने की, हे प्रभु मैं आपके लिए, आपके निमित्त ये अपनी तरफ से भेंट लेकर आया हूं, प्रभु इसे भेंट को स्वीकार करो, मेरी अर्जी स्वीकार करें,
जिस भी अभिलाषा को रखते हुए आपने अर्जी लगा रहे हैं, वह श्री हनुमान जी के चरणों में अभिलाषा रखते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में वह अर्जी आपको लगा देनी है। तो ये आपकी अर्जी लग गई है। अब आप आगे आपको क्या करना है आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने एक मंत्र, मैं आपको बता दे रहा हूं, मंत्र सभी जानते हैं, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र को आपको वहीं पर खड़े खड़े आपको कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। चाहे तो रुद्राक्ष की माला से कर ले, या वैसे ही आप ध्यान पूर्वक वैसे ही एक आईडिया से कर ले, उंगली पे काउंट कर ले, रुपए 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से कर ले। तो आपको कुछ देर वहीं पर हनुमान जी के इस मंत्र का वहीं पर जाप करना है कुछ देर तक के लिए। उसके बाद आपने कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करना है। और ये जो आपने समान चढ़ा है ये प्रथम मंगलवार चढ़ेगा। उसके बाद आपने संकल्प लेना है, वहीं पर आपने संकल्प लेना है अपने मन से किस प्रकार लेना है। आपने वहीं पर पंडित जी से या वहां पर पुजारी है उससे, या फिर अपने घर से आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेना है, थोड़ा सा जल आपको ले लेना है। साथ में उसमें थोड़े से चावल, कच्चे चावल, थोड़े से चावल, पुष्प और कुछ दक्षिणा अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करनी है। अपने आप ही संकल्प लेने प्रार्थना करने की, मैं अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, अपना गोत्र बोले कि मैं, हे हनुमान जी, हे बालाजी भाई, अंजनी कुमार जी, मैं इस अभिलाषा को रखते हुए प्रतिदिन आपके इस मंत्र का 108 बार जाप करने का, साथ ही 7, 11, 21 जितनी आपकी सामर्थ्य इतने मंगलवार व्रत रखने का संकल्प लेता हूं। ये बोलकर आपने वहां पर चढ़ा देना है, पंडित जी को दे दीजिए, वो हनुमान जी चरणों में चढ़ा देंगे। तो ये आपने संकल्प ले लेना है और वहीं पर 108 मंत्रों का आपको जाप करना है। उसके बाद कंटिन्यू चाहे तो आप अपने मंदिर में जाकर जाप कर ले, या अपने घर पर 108 बार इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करना हर रोज। परंतु जितने भी बीच में मंगल आएंगे उन मंगलवार में आपको श्री हनुमान जी के दर्शन अवश्य करके आने हैं। हनुमान जी को अपना चेहरा दिखाना, हनुमान जी को दर्शन, अकेले दर्शन आपको करने हैं। हनुमान जी के सामने आप जाएंगे तो हनुमान जी की नजरों में आप रहेंगे कि ये बेटा मेरा इस कार्य को कर रहा है। आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। ये जो मैंने लाल कपड़ा इत्यादि सब चीज बताया है ये सिर्फ शुरू में ही चढ़ेगा, नारियल वगैरह ये बाद में नहीं चढ़ेगा। तो इस तरीके से आपने हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाना है, व्रत रखना है, शाम को मीठा भोग प्रसाद लगाकर श्री हनुमान जी को उसी से अपना व्रत खोलना है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके व्रत रखे जाएंगे। संकल्प आप 7 मंगलवार का रखें, और या फिर आप 11 मंगलवार का रखें, या 21 मंगलवार, जो भी आपका सामर्थ्य है उस तरीके से आप संकल्प लेकर इसको रखें। प्रतिदिन जितने दिन पीछे पड़ेंगे सभी दिनों में आपने इस मंत्र का जाप करना है। विशेषतः आपको ध्यान ये रखना होगा कि इन समय में आपको कोशिश रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन रखें। यदि ब्रह्मचर्य आप ग्रस्त में व्यक्ति हैं तो मंगलवार शनिवार को छोड़कर आप कभी कभी इत्तेफाक से एक आध बार ग्रस्त में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए सात्विक भोजन करते हुए मांस मदिर का भक्षण बिल्कुल वर्जित रहेगा। पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर दिन भर आपको श्री रामचंद्र जी का जाप मन ही मन जाप करते रहना होगा। और जिस समय आप मंदिर में जाए तो सबसे पहले श्री रामचंद्र, श्री हनुमान जी को जय श्री राम बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी को जय श्री राम बोले, उसके बाद में गुरु का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र सभी जानते हैं, मंत्र है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र कौन सा है आइए जानते हैं। गायत्री मंत्र है ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, तो इस मंत्र को आप जाप करें। गायत्री मंत्र, गायत्री हनुमान गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करें। सभी को पता है, लेकिन इसके चमत्कार बड़े बड़े ही चमत्कारी इसके प्रयोग है, बड़े चमत्कारी इसके असर हैं। परंतु साधक करते नहीं है ना, तभी तो नहीं चमत्कार नहीं दिखते। इसका करो तो सही, अनुष्ठान करो तो सही, तभी तो आपको पता लगेगा। इसके अलावा आप सुंदरकांड का पाठ करें, इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या श्री रामचंद्र की स्तुति करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो उतना भी आप बढ़ा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। परंतु इस प्रयोग को आप करके देखें, एकदम रिजल्ट आपको मिलेगा। और जिस अभिलाषा को रखते हुए आप इसका प्रयोग करेंगे वह मनोकामना आपकी 100% पूरी हो जाएगी। अब बात आती है कि उद्धापन कैसे किया जाएगा। आपने संकल्प तो ले लिया, 11, 7, 11 या 21 मंगलवार का संकल्प ले लिया, परंतु 11वें या 7वें या 21वें जो मंगलवार है उसमें कैसे उद्धापन करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपका शुरू में चढ़वाया था, आपको बताया था, लाल कपड़ा है, हनुमान जी का सिंदूर है, चमेली का तेल है, और आपने फल लेकर जाने हैं और मिठाई लेकर जानी है। मिठाई में कम से कम ध्यान रखना 1.25 किलो लड्डू होने चाहिए। जी हाँ, 1.25 किलो लड्डू आपको चाहिएंगे। 1.25 किलो लड्डू लेने हैं और साथ में फल लेने हैं, लाल कपड़ा लेना है, चमेली का तेल लेना है और हनुमान जी का सिंदूर लेना है, एक मीठा पान लेना है। ये सभी सामान लेकर आपको श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना कि प्रभु आपके अनुकंपा से मैंने इतने दिन का संकल्प लिया था, ये संकल्प मेरा पूर्ण हो चुका है,
अब ये भेंट आप मेरे स्वीकार करें और मेरी जो मनोकामना यदि पूर्ण हो चुकी है तो ठीक है, बोल दे कि पूर्ण हो चुकी है, नहीं हो चुकी है तो कहेंगे मैं आपके अनुकंपा से मैंने कार्य पूर्ण कर दिया, आप अब आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। जिस प्रकार आपने श्री रामचंद्र जी के कार्य संवारे हैं, कार्य संवारे हैं, उनके संकटों का निवारण किया, इसी प्रकार आप मेरे भी संकटों का निवारण कर दीजिए। ये प्रयोग आप करें तुरंत चमत्कार दिखेगा, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है, इनका असर तुरंत दिखाई देता है। इस प्रयोग को करें सभी भक्तों को।